तो जब जीरोधा पैसे डालता है तो लोगों को कुछ हद तक तो ये होता है कि यार चोर तो नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं। एंड लोग मुझे पूछते तू क्या करता है ना, मैं बहुत मजे से बोलता, अरे मैंने तो बापू के धंधे में डाल के रखा है। किसी भी नए बिजनेस को एक क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कन्नर और स्वागत आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में ऐसी कंपनी के फाउंडर्स हैं जो कि आपको बताने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के एडवांटेज। मतलब मुझे इनकी कंपनी में अभी के टाइम पे जो सबसे अच्छा लगा, ऊपरी बात से कर रहा हूँ, कि इन्होंने जो अपना पूरा बोर्ड बनाया है ना, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक बनाया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इनकी कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये कर क्या रहे हैं, कैसे चेंज ला रहे हैं मार्केट के अंदर। हाय एवरीवन, आई एम अजिंक्य कुलकर्णी, को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विंडवेल्थ। एट विंडवेल्थ वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग फिक्स इनकम ऑप्शंस फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। हाय एवरीवन, आई एम अंशुल गुप्ता, को-फाउंडर एंड सीईओ एट विंडवेल्थ। सो माय टीम लुक्स आफ्टर ऑल द एसेट्स दैट कम ऑन द प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा समझाओगे अपने बिजनेस के बारे में, क्या करते हो, ये फिक्स एसेट क्या है, कैसे काम करती है? क्या है कि व्हाट वी ऑब्जर्व, मतलब हमने ये देखा कि एफडी के रिटर्न्स बहुत कम है और इक्विटी की वोलेटिलिटी, इक्विटी की रिस्क सब लोगों को जचती नहीं है, राइट? तो देर शुड बी समथिंग बिटवीन एफडी एंड इक्विटी। तो जब हमने चालू किया ढूंढना तो देखा कि बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं बट ये सब हाई टिकट में अवेलेबल है, अल्ट्रा रिच लोगों को 50 लाख की टिकट साइज है, इसमें हम खुद नहीं कर पा रहे थे, राइट? तो हमने सोचा ये रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, वही हम करते हैं, राइट? तो ये एसेट में ऐसा नहीं कि फिक्स इनकम है, लाइक फिक्स रिटर्न है 10% 11%, बट रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, रिस्क है। एफडी इतनी लो रिस्क नहीं है, एफडी से ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी से थोड़ी कम है, राइट? बट फिक्स रिटर्न है। तो ये एसेट हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। तो एसेट्स क्या है बेसिकली वो? सो एसेट्स आर समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है कि जैसे आप कंपनी को लोन दे रहे हैं कुछ पैसा, और कंपनी कह रहा है कि ठीक है आपने मेरे को इतना पैसा लोन पे दिया, मैं आपको इतने दिन के बाद पैसा रिटर्न करूँगा इस इंटरेस्ट के साथ। तो नॉर्मली कंपनीज जैसे बैंक के पास जाएंगी और बोलेंगे कि मेरे को 50 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक कहेगा ठीक है कि ये 2 साल के लिए तुमको लोन दिया गया है, तुम हर 6 महीने में मेरे को 1/4 प्रिंसिपल रिपे करना, और इसके लिए मैं तुमसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो ये तो हो गया अगर कंपनी को बैंक से पैसा उधार लेना है तो। सिमिलरली कंपनी इंडिविजुअल से HNI से भी पैसा लोन पे ले सकती हैं, और वो कैसे करती हैं, एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड करके। तो कंपनी बॉन्ड इशू करेगी लेट से 50 करोड़ का, उसमें इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट एज लो एज 10,000 रुपीज़। तो अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स इकट्ठे आ गए और सबने मिलके 50 करोड़ लोन पे दे दिया कंपनी को। तो जैसे कंपनी लोन को रीपे कर रही है, सिमिलरली बॉन्ड्स को भी, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को भी रीपे करेगी उनका प्रिंसिपल along with the interest। तो जितना मेरे को बॉन्ड समझ में आता है, तो बॉन्ड रिलेटिवली रिस्की है। मतलब लॉजिकली मैं एज अ कंपनी, मेरे को पैसों की जरूरत है बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो अगर मुझे बैंक पैसे नहीं दे रहा है तभी मैं बॉन्ड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बैंक सस्ते में देगा रिलेटिवली। नहीं, ये मतलब एक काफ़ी थिंकिंग है लोगों के बीच में कि बॉन्ड्स वही कंपनी इशू करती हैं जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट अगर आप मार्केट का डेटा देखेंगे तो रिलायंस बॉन्ड इशू करता है, टाटा ग्रुप की कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं। तो इनको ऐसा नहीं है कि बैंक्स पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, इनका मतलब जो क्रेडिट वर्थिनेस है ये काफ़ी अच्छा है। तो बैंक्स तो इनके पीछे लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हमसे पैसा लो, बट कोई भी कंपनी होती है वो चाहती है कि जो भी मेरा पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, वो डाइवर्सिफाइड चैनल से आए, ताकि मैं सिर्फ एक ही चैनल पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो वो कुछ चैनल चाहेंगे कि मेरा कुछ पैसा बैंक से आए, कुछ म्यूचुअल फंड से आए, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स से आए, कुछ इंश्योरेंस कंपनी से आए, और कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स से आए। तो इसलिए कोई भी कंपनी है वो अपना जो भी पैसे का सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि मेरा सारा पैसा खाली बैंक से आए, क्योंकि कल को अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ क्राइसिस हो गया तो ये कंपनी पैनिक मोड में चली जाएगी, इसका पूरा बिजनेस बैंकिंग सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो वो रिस्क कम करने के लिए दे वॉन्ट कि अलग अलग पैसा अलग अलग सोर्सेज से आए। ठीक है, तो बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होता है? थ्योरेटिकली मतलब बॉन्ड 10 साल के लिए भी इशू कर सकते हैं, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे हम वही बॉन्ड लेके आते हैं जिनका टेनर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें आप और मेरे टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा 10 साल के लिए लॉक इन रहे, हम टिपिकली 1 साल 1.5 साल 2 साल के बॉन्ड अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को बॉन्ड लेना है तो बॉन्ड लेने के पीछे का साइंस क्या है, क्या देख के लूँ मैं कि ये बॉन्ड अच्छा है ये बॉन्ड बुरा है? क्योंकि हमारी ऑडियंस को शेयर मार्केट तो सबको पता है, करेक्ट, कि कैसे देखना है क्या नहीं देखना, पर बॉन्ड कैसे देखें? करेक्ट, बॉन्ड में मेनली 2 तरह के रिस्क हैं। एक तो है कि लिक्विडिटी रिस्क, कि मैंने 2 साल के लिए पैसा लगाया
अब लेट से मेरे को एक साल के बाद पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि कंपनी तो मेरे को दो साल के बाद पैसा रीपे करेगी। तो ये बॉन्ड थोड़े इलिक्विड रहते हैं, मतलब इसमें गारंटी नहीं है कि आपको एक साल के बाद कोई और बायर मिलेगा। अगर आपको दो साल से पहले एग्जिट करना है, आपको ये बॉन्ड किसी और को बेचना पड़ेगा, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा कोई विलिंग बायर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम अवेलेबल रहेगा। जैसे अभी वेंट वेल्थ पे हमारे रफली 25,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो नॉर्मली ऐसा विलिंग बायर मिल जाता है कि किसी को बेचना है तो उन 25,000 में से कोई कैन स्टेप अप एंड से कि आई विल बाय द बॉन्ड। बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कोई विलिंग बायर अवेलेबल रहेगा। जैसे लेट्स से कोविड हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स में हो सकता है कि उनमें से कोई भी बॉन्ड खरीदना चाहे, तो उस केस में आपको दो साल तक वेट करना पड़ेगा अपने टू गेट बैक योर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गया लिक्विडिटी रिस्क। और यहाँ पे एक रोकना चाहूँगा, अगर मैं बीच में बेचता हूँ तो फिर कैसे काम करती है सारी चीज़ें? करेक्ट। तो जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमको रीच आउट कर सकते हैं, हम अपने बाकी इन्वेस्टर्स को रीच आउट करेंगे कि किसी को बॉन्ड खरीदना है क्या। उनमें से नॉर्मली कोई ना कोई मिल ही जाता है हु विल बाय द बॉन्ड, तो विल जस्ट डू दैट मैच मेकिंग एंड द ट्रांजेक्शन विल हैपन। मतलब मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा है, एज इन मतलब हम बात करके चल रहे हैं, अगर मैंने एक बॉन्ड लिया 10% रिटर्न का जो कि 2 साल टेन्योर का है और मैंने 1 साल के बाद उसको बेच दिया तो मुझे 10% तो रिटर्न मिलेगा ही। ऐसा गारंटी नहीं होता, बायर अगर दे रहा है और बायर है तो होता है। अगर बायर नेगोशिएट करने की पावर भी है बायर के पास में? हो सकती है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम नेगोशिएट नहीं करते, उतने ही रेट से होता है, बट मार्केट में ऐसा हो सकता है, अगर आप बाहर जाओ तो नेगोशिएशन भी होता है मार्केट में, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। तो आपका 10% ही रिटर्न आपको मिलेगा बायर है तो। ठीक है, और दूसरा आप फैक्टर बता रहे थे? दूसरा है क्रेडिट रिस्क कि लेट्स से मैंने जिस कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया वो कंपनी मेरा इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर पाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, हमने बैंक्स को भी देखा है, बैंक्स भी डिफॉल्ट कर गए हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट रिस्क कि जिस भी कंपनी के बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका क्रेडिट वर्दिनेस कैसा है। तो इसको जज करने के लिए जैसे आप इक्विटी शेयर का एनालिसिस करते कंपनी का, सिमिलरली इस कंपनी का भी आपको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस में क्या देखना होगा कि भाई ये कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर्स कौन है, कि ये प्रमोटर रन लाला टाइप की एंटिटी है या इसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसे वेंट पे हम खाली उन्हीं कंपनीज के बॉन्ड लिस्ट करते हैं जिनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर रन एंटिटीज़ नहीं है, जिनमें लेट्स से बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने पैसा डाला है, वीसी फंड्स ने पैसा डाला है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन ने पैसा डाला है, इन्हीं टाइप की कंपनीज के बॉन्ड हम प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि ठीक है हम तो पैसा दे रहे हैं बट इस कंपनी को और किन्होंने पैसा दिया मार्केट में, क्या बाकी बैंक्स ने पैसा दिया है, बाकी बड़ी NBFCs ने पैसा दिया है, म्यूचुअल फंड ने पैसा दिया है। तो टिपिकली जो भी हमने अभी तक बॉन्ड लिस्ट की है उसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग 15 से 20 लेंडर्स तो रहे हैं, और ये भी लेंडर बेस डाइवर्सिफाइड रहा है कि कुछ बैंक्स हैं, कुछ NBFCs हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एंड सो ऑन। तीसरा ये है कि इस कंपनी का लेवरेज कितना है, इस कंपनी ने ऑलरेडी कितना डेट रेज कर रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा रिस्क है, उतना कंपनी को डिफ़िकल्टी होगी रीपे करने के लिए। तो हम प्रेफर करते हैं उन कंपनीज़ को जिनका लेवरेज कम है, क्योंकि कम लेवरेज होगा तो ज़्यादा मेरे को कंफर्ट है कि कंपनी रीपे कर सकती है। तो इस टाइप के पैरामीटर्स हम देखते हैं बिफोर ब्रिंगिंग एनी बॉन्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बॉन्ड कोई भी लिस्ट कर सकता है, मतलब अगर मेरी एक प्राइवेट कंपनी है वही है या फिर जो लिस्टेड कंपनी है वही बॉन्ड निकाल सकती है खाली? नहीं, बॉन्ड तो कोई भी इशू कर सकता है, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल सकता है कि ये बॉन्ड लिस्ट कर दो। हमारा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है हु चेरी पिक्स कि हमको ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना है या ये नहीं करना है। तो मतलब आप जोमेटो का बॉन्ड भी होगा आपके पास में, पेटीएम का भी बॉन्ड हो सकता है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है? हो सकता है। ठीक है, तो अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करता हूँ कि धंधा कहाँ बन रहा है, मतलब एज अ मैं बिजनेस था, मुझे पैसे रेस करने थे, मैं आपके पास आया, आपको मेरा पोर्टफोलियो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, आपने मेरे बॉन्ड लिस्ट कर दिए, अब लोगों ने ले लिए, आप कहाँ पे हैं? हाँ, हम बॉन्ड में हर एक बॉन्ड पे ईयरली 1-1.5% कमाते हैं। तो वो कैसे कमाते हैं, इधर बिजनेस को चार्ज कर सकते हैं या रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड ज़्यादा प्राइस पे बेच के कमा सकते हैं। तो बट जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट हम दिखाते हैं वो सब हमारी कमीशन सब उसके बाद होता है। तो अगर आपको कोई बॉन्ड दिख रहा है प्लेटफॉर्म पे जो 10.5% दे रहा है तो इट इज़ आफ्टर ऑल आवर कमीशन ये वो। तो अगर लेट से अगर 10.5 आपको पड़ रहा है इन्वेस्टर, NBFC 11.5 दे रही है तो वो 1% हम कमाएंगे। ठीक है, ऐसा हमारा धंधा। ठीक है, मतलब
एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं बात करके चलूँ तो जो दिखाई दे रहा है मेरे लिए वही है ना। हाँ, उसके बाद कोई हिडन चार्ज नहीं है, कुछ AMC फिक्स चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बीच बेचता हूँ बीच के अंदर तो भी हम कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी रिकरिंग फीस नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है और कोई भी रजिस्ट्रेशन वन टाइम फीस नहीं है। नहीं है, नहीं है कहीं पे भी कोई नहीं। आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तब हमको फी मिलेगी, ठीक है, बट वो आपसे नहीं होगी चार्ज। और अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करके चलूँ कि अभी एक XYZ कंपनी आई, उसने आपको बॉन्ड दिखाया और वो अच्छा निकला आपके हिसाब से, पर वो 6 महीने के बाद कुछ हो जाता है, तो फिर आप इस पे कुछ हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? हाँ नहीं, जो भी हमारे बॉन्ड आते हैं, सो बॉन्ड 2-3 टाइप के होते हैं, एक होता है सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड, और उसके भी उससे भी ज़्यादा रिस्की बॉन्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड बॉन्ड में देर इज सम अंडरलाइंग सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, लोन का पूल हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कैश हो सकती है, ताकि अगर ये एंटिटी डिफॉल्ट करती है, जिस बिजनेस को आपने पैसा दिया वो डिफॉल्ट करते तो वो कोलैटरल बेच के आप पैसा ये कर सकते हो, पूरा नहीं तो कुछ तो, राइट। तो वो हम अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोलैटरली नहीं होता, तो हम अनसिक्योर्ड बॉन्ड लाते ही नहीं हमारे प्लेटफॉर्म, प्लस हम सिक्योरिटी लाते हैं, प्लस हम उस एंटिटी को रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहते हैं, तो रिस्क नहीं ऐसे नहीं, बट रिस्क मिटिगेट होता है। और इसका सबसे एक ये है कि हमारा भी स्किन इन द गेम है, जैसे आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड अच्छा है, हम भी उस बॉन्ड में जितने भी बड़ा बॉन्ड लाते हैं उसका 2% हम इन्वेस्ट करते हैं और एंड तक उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कमीशन से भी ज़्यादा उधर हमारा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता होगा कि कॉन्फिडेंस होगा तो ही हम उसको लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो स्किन इन द गेम है, नहीं तो मैं बोलूँ कि यार ये बॉन्ड बहुत अच्छा है उसका क्या मतलब है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे को भी कुछ तो पेनल्टी होनी चाहिए, राइट। तो हम मतलब वही एक, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, राइट, बॉन्ड का ये कि कितना डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है, क्या होगा क्या होगा, इसको हमें सबसे सही लगा सॉल्यूशन कि हमारा स्किन इन द गेम होना चाहिए, ताकि हम हमारे पैसे लग रहे हैं उसी हिसाब से इसको जो जिस बॉन्ड पे कंफर्ट आएगा वही बॉन्ड लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। और इस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होती है कुछ? अभी हम रेगुलेटेड नहीं है, बट ये जो बॉन्ड है वो अगर वो NBFC से इशू हुए है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो वो एंटिटी RBI रेगुलेटेड होती है। अगर इसमें से कुछ बॉन्ड एक्सचेंज पे लिस्ट हुए हुए तो वो SEBI से रेगुलेटेड है, जो बॉन्ड अनलिस्टेड है वो SEBI से रेगुलेटेड। ठीक है, तो मतलब आपकी एडवांटेज ये है कि आप पे मेरे को रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। यस, क्या है कि रिटर्न जब ज़्यादा होता है रिस्क ज़्यादा होता ही। बिल्कुल, हम ऐसे बॉन्ड लाते हैं जिसमें रिस्क मिटिगेट हुआ है, रिस्क कुछ भी करके रिड्यूस किया हुआ है, तो हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारा एक टर्म है कि रिस्क के बाद इसमें क्या रिटर्न है, वो अच्छे लाते हैं हमारे बॉन्ड। तो रिटर्न के साथ रिस्क आता ही है, तो अगर बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर आते हैं कि ये FD जैसा है क्या, तो हम उनको बोलते नहीं ये FD जैसा नहीं है, FD में तो 5 लाख तक गवर्नमेंट का गारंटी है कि बैंक भी डूब गया तो भी गवर्नमेंट आके आपको पैसा देगा, बॉन्ड में वैसा नहीं है, तो रिस्क तो होता ही है, जितना चाहे आप कम कर लो, बट अगर आपको लग रहा है रिस्क फ्री चाहिए तो ये बॉन्ड ये नहीं है, कोई भी बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं होता गवर्नमेंट के छोड़ के। तो थोड़ी स्टोरी बताओगे कैसे शुरू किया, ये आइडिया कैसे आया? हुआ क्या कि मतलब मेरा पहले भी एक स्टार्टअप था इनवॉइस बिल डिस्काउंटिंग, 2015-16 की बात है, तो वो बहुत सही चला नहीं, तो फिर मैंने दूसरे स्टार्टअप में काम करना चालू किया, फिर एक दो स्टार्टअप में काम किया। तो मेरे पापा का खुद का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, छोटा बिजनेस है नासिक में, तो मैं जो भी पैसा सेव कर रहा था मुझे पता था मैं कभी ना कभी स्टार्टअप करूँगा वापस, तो मुझे ये चाहिए कभी भी, ठीक है, और मुझे नहीं सीखना था किस म्यूचुअल फंड में लगाओ किस स्टॉक में लगाओ, उसमें टाइम ही नहीं डालना था, तो मैंने मेरे पापा को पैसा दे दिया, उनको बैंक लोन 12% से था, उन्होंने मुझे बोला तो मैं तुझे 11% दे दूंगा, बोला सही है और मैं ये मैं मतलब और मैं जहाँ भी काम करता था दोनों स्टार्टअप क्रेडिट दे और एम से वहाँ हमेशा डिस्कशन चलती थी यार किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, एंड लोग मुझे पूछते थे तू क्या करता है ना, मैं बहुत मज़े से बोलता अरे मैंने तो बापू के धंधे में डाल के रखा है, एंड लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था, लोग बोलते हैं मुझे भी डालना है इसमें, मुझे भी डालना है। एक बार एक कलीग बोला कि यार अजिंक्य मुझे भी डालना है इसमें, तो मैंने बोला दे दे मुझे पैसा, और उसने इमीडिएटली 20,000 मुझे UPI से दिए, गूगल पे से। तो मेरे को ऐसा लगा यार ये इतना क्यों अच्छा लग रहा है लोगों को, और फिर हम देखने लग गए कि यार ये कौन सा एसेट क्लास है क्या है, ऐसे जैसे मेरे पापा तो मेरा घर का बिजनेस है, राइट, तो मेरे को एक्सेस था, तो ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो अच्छे जो अपन दे सकते हैं पैसा, और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता करेंगे, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है क्या, ऐसा हम सोचना चालू कर दिया, एंड उससे फिर वो स्टोरी बनती गई, फिर हमको दिखा यार ये तो बहुत सबको ये बहुत ज़रूरी नीड है और कोई इसको केटर नहीं कर रहा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसे चालू हुआ फिर।
फिर ये कहाँ से आपके साथ जुड़े? मैं फिर चालू करना लोगों से बात करना चालू किया कि ऐसे बिजनेस कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए, राइट? बॉन्ड में मतलब रिस्क काफ़ी होता है और बहुत नीश फील्ड है. तो उसी टाइम मैं किसी के थ्रू अंशुल से मिला. अंशुल भी इसी आइडिया पे एक्सप्लोर कर रहा था, बिकॉज ये टाइप के बॉन्ड वो इंस्टीट्यूशंस को बेच के लिए बनाता था. देन लाइक और उसका भी ये था कि भाई मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना है, बट टिकट साइज बहुत ज़्यादा था, 50 लाख 1 करोड़. तो खुद भी नहीं कर पाता था. तो वहाँ से हमको यार समझ गया कि यार ये इंस्टीट्यूशन को एक्सेस है, रिटेल को जरूरत है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर हमने साथ में काम करना चालू कर दिया. और स्टार्टिंग में फंड्स कैसे आए? स्टार्टिंग में हमने एंजल इन्वेस्टमेंट रेज किया. फिर मतलब दोस्तों से बात करना चालू कर दिया कि ये प्रोडक्ट, और काफ़ी इंटरेस्ट दिखा हमको शुरुआत से. तो मतलब इंटरेस्ट लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए एसेट में काफ़ी इंटरेस्ट शुरुआत से हमें दिखा. फिर हमने पहले लाइक हम इस बार थोड़ा समझ के जा रहे थे कि हमने ये सोचा यार लोगों को सच में चाहिए क्या, या लोग दोस्त इसलिए हाँ बोल रहे हैं. फिर हमारा प्रोडक्ट तो आया नहीं था, तो हमने लोगों को बोला दे दो चेक दे दो. जो भी बोलता था यस मुझे इन्वेस्ट करना, मैं उसे बोलता दे दे चेक दे दे. लेता नहीं था मैं चेक, बट देखता था वो दे रहा है कि नहीं. तो उससे हमने इंटरेस्ट गेज किया और फिर पायलट लॉन्च किया हमने कुछ अगस्त 2020 में. और फिर तब तक हमने एक एंजल राउंड किया था. फिर हमने जीरोदा से सीड फंड के रेज किया कंपनी चलाने के लिए. फिर मतलब धीरे धीरे करते उसके बाद फंड्स की जरूरत पड़ी. एक्चुअली हमने बाद में भी फंड रेजिंग किया, बट हमारा जो बिजनेस रेवेन्यू आता था उससे काफी हद तक हम प्रॉफिटेबल, कुछ कुछ महीने में हम प्रॉफिटेबल भी थे. तो अभी भी करेंटली प्रॉफिटेबल हो? अभी नहीं, यूनिट इकोनॉमिक बेसिस पे तो आप प्रॉफिटेबल ही हो गए. यस, यूनिट इकोनॉमिक्स पे है, नेट बेसिस पे नहीं है, बिकॉज हम ग्रोथ में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं. डिफरेंट चैनल से एसईओ पे काम चल रहा है, यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, तो ये सब चैनल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसका आरओआई हमें 1 साल 1.5 साल बाद मिलेगा. और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी लगी मुझे, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया. हाँ, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपने बोर्ड पे लेके आए, तो वो क्या स्ट्रेटजी है, थोड़ा समझाओगे? एक्चुअली स्ट्रेटजी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब हमने काम चालू किया. हमें एक पता चला कि देखो पहले दोस्तों को तो पता है कि हम चोर नहीं है, बट बाहर से कोई देखता है ना उसको है कि भाई ये प्रोडक्ट तो सही दिख रहा है, बट ये पैसा लेके भागी गए तो क्या. और सही क्वेश्चन है, राइट? लोगों को हार्ड अर्न मनी है तो उनको क्वेश्चन रहेगा. इट शुड कम ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी वो ट्रस्ट करते हैं, उससे आए तो अच्छा है. तो हमने एक थ्योरी बनाई, उसको हम नोडल थ्योरी ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, कि जैसे मैं अंशुल पे ट्रस्ट करता हूँ, अंशुल आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं भी आप पे ट्रस्ट करना लग गया. इसका कोई लॉजिक नहीं होता दूसरा ट्रस्ट का. ऐसा कोई ऐसा कुछ आप कह दिए और मैंने ट्रस्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता. धीरे धीरे बनता है, राइट? और उसका फास्ट तभी बन सकता है जब देर इज अ पर्सन इन बिटवीन जिसको आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो, दोनों. तो फिर हमने देखा ये इन्फ्लुएंसर ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो इनके थ्रू हमारा प्रोडक्ट एजुकेट कर सकते हैं क्या. मतलब ट्रैफिक लाने का था, बट ऐसा नहीं था कि सेल करते, एजुकेट करते कि ये कहते हैं कि यार इसमें रिस्क है, बट ये टीम अच्छी है, ये आपके पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे. आप प्रोडक्ट का रिस्क अपने आप देख लो और कर लो, रिस्क समझाओ, एजुकेट करो. और वहाँ से हमने एक दो एक्सपेरिमेंट किया, वो अच्छे चले, ठीक है. और फिर हम इन्फ्लुएंसर से बात करने लग गए, तो हमको ये भी पता चला इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि जब कोई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेके आता है वो ऐसा फ्लुक से नहीं होता. उनको कुछ पता होता है कि हमारा ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरह बताना है, एक स्टाइल होता है, टोन होता है कंटेंट का, बहुत कुछ होता है. तो हमको ये सीखने को मिलने लगा कि यार अगर मेरे को, क्योंकि नया सेट क्लास में एजुकेट करना पड़ता है लोगों को, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे बॉन्ड में रिस्क है ये, तो ये समझाने के लिए कैसे समझाएं आसान भाषा में. ये इन्फ्लुएंसर ने वो क्रैक किया. फिर हमने उनसे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया हमारी कंपनी में, इक्विटी में, कि क्योंकि वो एक बॉन्ड रहता है. बिकॉज जस्ट आप अगर तो डिस्काउंटेड रेट पे इन्वेस्टमेंट लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मतलब हमने किसी को डिस्काउंटेड रेट पे अलाउ नहीं किया. हमने जो वैल्यूएशन था कंपनी का उसमें ही दे दिया. बिकॉज हमने ये भी बोला कि हम आपके साथ वीडियो करेंगे, वहाँ भी हमको कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए. कमर्शियल रिलेशनशिप अलग है, ये अलग है, ये लर्निंग के लिए, राइट? क्योंकि आप एक बार कमर्शियल में क्या होता है, एक वीडियो किया हो गया, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, बट बहुत बार लर्निंग होता है कि उनको अपनी ऑडियंस का पता होता है, उनको ये पता होता है कि ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों चल रहा है, ये ऐसे कहने से लोगों को समझता है, ये नहीं समझता. तो ये लर्निंग बोथ वेज था हमारा उनसे, उनको हम. तो इसलिए हमने उनके साथ काम करना चालू किया और सीखने को बहुत मिल गया, इसलिए हमने पैसा भी लिया. और कितने परसेंट इक्विटी गई थी उस टाइम पे? बहुत कम गई थी, बिकॉज हमने उसके पहले ही हमने जीरोदा से बड़ा राउंड रेस किया था. जीरोदा और बहुत सारे एंजल थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, बट हम उसके बारे में इतना केयर, मतलब वी आर लाइक कि यार ये वैल्यूएशन हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है. मतलब नॉमिनल इक्विटी गई थी, बस आपका मेन गोल ये था कि मार्केट में ये ट्रस्ट आया कि एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कंपनी जाएगी नहीं. क्या जीरोधा लाने का भी एक, रेन मैटर्स लाने का भी एक रीजन था? yes. क्योंकि उनके साथ भी ये विजन आती है. यस, विजन वगैरह तो बहुत, मतलब ये तो सब है ही, बट एक होता है ना कि
अगर मैं जीरोधा फंडेड हूँ या मुझे किसी बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो आपको ये तो पता है कि आदमी चोर नहीं है, राइट? ये पैसा ले, अब हालांकि प्रोडक्ट्स है तो उसमें रिस्क है, वो हम बताते भी है, जस्ट बिकॉज जीरोधा ने पैसा डाला इसलिए ये प्रोडक्ट में रिस्क कम होता है, ऐसे नहीं है। बट आपको ये पता है कि विंडोल पैसा लेके तो नहीं भागे, बिकॉज डिजिटली आप ट्रस्ट कैसे करोगे? जैसे आप यहाँ बैंगलोर में एक दुकान लगी तो आपको पता है कि यह दुकान तो है, बट डिजिटली ट्रस्ट कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना था, तो उसके लिए ये सब मदद हुआ। तो लॉजिकली जैसे मैं बात करके चलूँ, मैं बिजनेस वाला बंदा हूँ, तो कभी कभार एक्स्ट्रा कैपिटल होती है, तो पापा के कोई दोस्त है, जो आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, पापा के कोई दोस्त है, किसी को लोन चाहिए होता है, यार पैसे दे दे, 1% ले लियो, मतलब मंथली 1% ले लियो, तो ले ले, तो मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिए मैंने। तो आप एक तरह से वही इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो ऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे अभी कोई रैंडम बंदा आएगा आपके पास, आप उसको लोन नहीं दोगे? और मेरे पापा के दोस्त, मैं पापा के ट्रस्ट पे ले रहा हूँ, पर मैंने उनके कोई फाइनेंशियल्स नहीं देखे। हाँ, मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप उनके फाइनेंशियल्स भी देख रहे हो। yes, yes, yes. कि वो कंपनी भागेगी भी नहीं, वो ठीक yes. भी है yes. और आपको अच्छा रिटर्न भी दे रही है। तो यहाँ इन्वेस्ट कर लो। तो बॉन्ड पे कितना हाई तक जा सकता है और कितना लो तक जा सकता है? तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आपके पापा के दोस्त का बिजनेस है, तो वो एक किस्म से SME हो गया, वो तो बहुत छोटा बिजनेस हो गया। हम बॉन्ड्स लेके आते बड़ी बड़ी कंपनीज के, मतलब जिनका लाइक इक्विटी बेस 500 करोड़, 1000 करोड़ इस टाइप का है। तो जो इस प्रोफाइल सेगमेंट में जो रिटर्न्स होते हैं वो अराउंड 9 से 11% के बीच में होते हैं, तो बॉन्ड्स का प्राइसिंग भी उसी रेंज में रहता है। ठीक है, मतलब हमको मैक्सिमम 11% तक मिल सकता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है यार कोई किस्मत चमक गई, कोई अच्छी कंपनी मिल गई? होता है, वन ऑफ रहता है। जैसे एक हम बॉन्ड लेके आए थे उसमें 11.5 था, मतलब रेंज यही रह रही है। उसके बाद बहुत ज़्यादा भी है ना, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। कोई कंपनी क्यों ज़्यादा देगी? सही बात, राइट? मार्केट से ज़्यादा देते नहीं है कोई भी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो 1% पर मंथ वाला सीन है। नहीं, वो ऑर्गेनाइज जितनी बड़ी एंटिटी होती है उसमें और वो कम होता है। हाँ, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर छोटी SMEs की बात करके चले तो 1% है, अगर आपको 11% मिल रहा है तो साल के अंदर एनुअलाइज 1% ही तो कम हो रहा है। हाँ। प्लस सिक्योरिटी ऐड हो गई, प्लस रिस्क कम हो गया। 11 पे भी बहुत कम होते हैं, उसके नीचे आती है, 10 के आसपास बहुत ज्यादा आती है। FD से तो ऊपर हो गया, FD 5-6 पे है, तो उससे 3-4% ज्यादा है। अगर अपनी कुछ स्टोरी बताना चाहोगे कि कोई बॉन्ड वाली कंपनी को आप ऑनबोर्ड कर रहे थे स्टार्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आए हो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलतियां करते हो और जिस इंडस्ट्री में आप हो इसमें गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती है। उस साइड हमें कम गलतियां हुई, क्योंकि अंशुल इसमें 7-8 साल से ऑलरेडी काम कर चुका है। ठीक है, तो वो सब गलती ऑलरेडी कर चुका था, तो यहाँ कोई गलती नहीं हुई फॉर्चुनेटली। और कोई और टाइम पे कोई और गलती आपने जो इनिशियल डेज में एक्सपीरियंस? हाँ, जैसे शुरुआत में ना क्या था, हमारी इच्छा बहुत अच्छी, मतलब इंटेंशन अच्छा था, बट हमने लॉन्च कर एक दिन में कुछ 80 लाख का ये चला गया। मतलब हम डर गए कि भाई ये लोगों को समझ रहा है कि नहीं, फिर हमने बात किया वो चीज़ से, फिर समझ रहा हम इनको रिस्क सही से समझ बता नहीं रहे। हमको जो लग रहा है हम इसको रिस्क बता रहे हैं, इनको तो ये FD जैसा लग रहा है। फिर हमने पूरा वेबसाइट चेंज किया, 3-4 स्क्रीन ऐड की रिस्क के डिस्क्लेमर, बिकॉज हमारा ये क्लियर था कि यार अपने को कम गया तो भी चलेगा, बट समझ के लोगों को एजुकेट करना है, बिकॉज लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, 10-15-20 साल का गेम खेल रहे हैं। ये एसेट बेचना ही नहीं है, ट्रस्ट क्रिएट करना है, और उसके लिए कस्टमर का जो ये है, कस्टमर का हमें, वी हैव टू टेक केयर ऑफ कस्टमर, उसके इंटरेस्ट कभी ये नहीं। फिर हमने उनको एजुकेट करना चालू किया, फिर हमने स्क्रीन काफ़ी रिस्क के डाले, फिर लोग धीरे से खरीदने लगे, तो फिर हमें खुद तसल्ली मिली। देन वी वेंट बैक, जिन्होंने पहले दिन 80 लाख सब्सक्राइब किया था, कि ये रिस्क है, अगर आपको नहीं चमका तो आप अभी भी एग्जिट ले लो, अगर आपको कंफर्ट में आए। तो एक होता है ना कि सोते टाइम हमको हमारे कॉन्शियस पे कुछ ये नहीं चाहिए कि हमने गलत किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये थोड़ी हुई शुरुआत से हमारी, शुरुआत जब हमने लॉन्च किया था, बट हमने उसको रेक्टिफाई भी कर लिया। जो पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी बोल दिया कि आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लो। ठीक है, मतलब मैंने नॉर्मली, अभी हमने नितिन जी के साथ किया था इंटरव्यू, उसके बाद हमने फिनशॉट्स किया, अब आपके साथ भी कर रहा हूँ, तो मैंने एक आइडियोलॉजी देखी है। हाँ, वो मतलब वो नितिन इज सेंट इन दैट, उनसे तो हमने बहुत सीखा है, मतलब कि कैसे कस्टमर फोकस जितना होना चाहिए, वो जितना मैंने जीरोधा का देखा है वो मैंने कहीं देखा नहीं है। तो मतलब एंड वी आर लकी कि वो हमें भी वो सिखाते हैं और हम सीखते हैं, मतलब। बट हाँ, ये एक है वो जीरोधा की आइडिया कि कस्टमर प्रायोरिटी जो जीरोधा में देखी मैंने, वो हम काफ़ी सीखे उससे। तो एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ सभी को, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको रेन मैटर्स जो कि उनकी कंपनी यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से फ़ंड लेना है ना, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी तक नोटिस करी है। एक है फाउंडर्स की ऑनेस्टी,
ठीक है, मुझे वो फील आई थ्रू आउट कि वो कह रहे हैं भाई हम अपने दिल से सच्चा काम कर रहे हैं, अब मार्केट आगे कैसे प्ले करे, पर खुद सच्चे है वो। दूसरा, वो कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और यही दोनों चीज़ें मैंने नितिन जी में भी देखी थी। समझने वाले समझ जाएंगे, अगर फंडिंग लेनी है तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ एडवांटेज मिल सकती है। आपको एडवांटेज क्या मिली वहाँ से पैसा रेज करने की, मतलब आपको सीड जो मिला उसके बाद आपको क्या लगता है कि कुछ अनफेयर एडवांटेज मिली उनके साथ जुड़ने की? अनफेयर तो मिली पक्का, कि क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, राइट, कुछ भी नया आता है तो लोग पहले यही डाउट करते हैं ये बंदा सही है कि नहीं। तो जब जीरोधा पैसे डालता है तो लोग कुछ हद तक तो ये होता है कि यार चोर तो नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं। तो एक नज़रिया बदल जाता है देखने का, कि पहले लोग सोचते अरे कौन है लोग, ये गड़बड़ है, 10% रिटर्न पक्का गड़बड़ है। अब ये लोग देखेंगे कि अरे ये है क्या, तो वो एक एडवांटेज होती है। दूसरा, नितिन से हमको सीखने को बहुत मिला कस्टमर सेंट्रिसिटी, क्या कि आप किसी भी कंपनी से, किसी भी फाउंडर से इंटरव्यू करो, उसको बोलो आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है कि नहीं, ना तो कोई भूलेगा नहीं, बट उसकी लेवल क्या होनी चाहिए कस्टमर सेंट्रिसिटी की, ये हमको नितिन से सीखने को मिला। ये बहुत मतलब ये है, राइट, कि किस किस हद तक वो जाते हैं, राइट। तो ये काफ़ी काफ़ी ये मिला, और एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, राइट, शुरुआत में किसी भी नए बिजनेस को एक क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है कि, और हमारा तो उल्टा बिजनेस है, हम लोन बिजनेस में आप दूसरे को पैसा दे रहे हो, राइट, तो लोग आपको सब डेटा वगैरह, आपका सारा गेम ही ट्रस्ट पे है। यस, यहाँ तो हम बोल रहे हैं लोगों से पैसा इन्वेस्ट करो ये एसेट में, तो वो लोग पैसा दे रहे हैं, राइट, तो क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, तो उसके हिसाब से तो बहुत फायदा हुआ। तो स्टार्टिंग में टीम बिल्डिंग में भी इशू आया? इतना नहीं है फॉर्चुनेटली, एक तो हम चार फाउंडर है, तो चारों के अपने अपने कनेक्शन है, रेफरल से काफ़ी हायरिंग हुई। तो बताओगे सबके बारे में, दोनों के बारे में तो पता लग गया, बाकी दो क्या करते हैं? सो जैसे अंशुल एसेट साइड पे दिखता है पूरा, अभी के माय को-फाउंडर जो इन्वेस्टर साइड दिखता है प्रोडक्ट, मतलब लॉजिकली ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कंपनीज लिस्ट हो रही है, इतना परसेंट देगी ये क्या हो, उसका ट्रस्ट कर सकते हो आप नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। आप कंपनी को रन कर रहे हो, ओवरऑल मैनेज कर रहे हो कि सब कुछ सही चल रहा है, बाकी अभी जो है वो इन्वेस्टर साइड देखता है पूरा, प्रोडक्ट, वेबसाइट, ग्रोथ, इन्वेस्टर एजुकेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, कि लोगों को चमक रहा है कि नहीं, तो मतलब वो आउटर साइड सारा का सारा देख रहे हैं। चौथा शशांक है जो पूरा टेक देखते हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट की वेबसाइट बन रही है, कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐप जो भी है, सब वो शशांक टेक्स कर रहा है। अगेन मेरे को यहाँ पे भी लगता है कि कंपेयर एडवांटेज है को फाउंडर्स के पास, कि चारों अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ गए, अब किसी और को घुसना है तो उनको चारों अलग अलग कैटेगरीज के एक्सपीरियंस लोग विद नेटवर्क लाना पड़ेगा। यस, सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को पर्सनली, और मैंने अपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं फाउंडर एंड फिल्टर डिस्प्ले रन करता हूँ, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं मैं वो अपने क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बस, और साथ में कंपनी के बारे में भी दुनिया को पता लग जाता है, और जो हमको देख रहा है वो उनकी भी क्यूरियोसिटी पूरी हो जाती है, ताकि वो अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसको सॉल्व हो जाए। तो मैं एक रैपिड फायर करूंगा छोटा सा, sure. तो दोनों को आंसर करना है, एंड्रॉइड और iOS? एंड्रॉइड, आई एम लाइक फॉर मोबाइल एंड्रॉइड, फॉर लैपटॉप आई एम वेरी मतलब मैकबुक फैन। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? फंडिंग iOS। फंडिंग। डेट और इक्विटी? अभी तक तो इक्विटी है, शायद कभी ना कभी जाके डेट होगा। वेंड के लिए डेफिनेटली इक्विटी। वेज या नॉन वेज? वेज। नॉन वेज। बेस्ट फूड एवर? मिसर, आई एम अ वेरी बिग मिसर फैन, आई एम अ बिरयानी फैन। कहाँ की? एवरेज नासिक की अच्छी रहती है। नासिक में कहाँ? मतलब मेरे घर के पास एक है तुर्जा भवानी, वहाँ की मैं बहुत खाता हूँ बचपन से, तो वो है। मेरी फर्स्ट जॉब हैदराबाद में थी, तो हैदराबाद में तो आपको पता है ये बिरयानी काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे शादाब करके एक रेस्टोरेंट था, वो मेरा फेवरेट था। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये सबको बताता हूँ, हमारी जो फूड चॉइसेस होती है ना, ऑल दो मैंने कभी बात नहीं करी इस बारे में क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि बात कर सकते हैं हम, फूड चॉइसेस ना हमारी ना इमोशनल होती है, हमारी फूड चॉइसेस टेस्ट पे नहीं होती है। अभी एक बहुत पुराना एक सर्वे किया गया था कोक और पेप्सी के ऊपर, ब्लाइंड टेस्ट किया और चेक करा गया कि कौन किसको प्रेफर ज़्यादा करता है, तो शायद 80% लोगों ने पेप्सी प्रेफर करी थी, मतलब सर्वे वाइज पेप्सी ज़्यादा अच्छी थी, पर जब नॉन ब्लाइंड टेस्ट किया गया, नॉर्मल पूछा गया, तो सब ने कोक को प्रेफर किया क्योंकि कोक का सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ है, तो किसी की अगर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कोई स्पेसिफिक है ना, तो उससे कोई इमोशनल कनेक्ट है कि वो छोटा होता था, वो ऐसा कुछ करता था, उसने ये किया, आपने बोला कि आपने कहीं पे जॉब करी थी, उसके पास में था या आपके घर के पास था, उससे कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी होगी, इसलिए आप कभी भी मतलब बहुत रेयर मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई बोले कि यार मैं एक दिन गया था वहाँ पर अचानक और मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई दे गया और वो मेरी बेस्ट बन गई, वो हो सकता है,
पर वो इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा उसके अंदर। तो मैंने नॉर्मली देखा है जो चॉइसेस होती है वो इमोशनल ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, ये रैपिड फायर नहीं रहा, ये लंबा फायर हो गया। हमने एक्सप्लेन किया है बहुत सारा। तो हमारी ऑडियंस है जो बिज़नेस कर रही है, बिज़नेस करने का प्लान कर रही है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक है कि मतलब ये ना थोड़ा स्पेशली यूट्यूब से लोगों में ये हुआ कि यार बिज़नेस करना बहुत आसान होता है, तो लोग उसमें फंस जाते हैं और विदाउट प्रिपरेशन उतरते हैं बिज़नेस में। उनको लगता है मैं ये करूँगा आ जाएगा ट्रैफिक, हो जाएगा ये, ऐसा नहीं। मतलब करना चाहिए बिज़नेस, बट तैयारी के साथ करना चाहिए कि पानी में उतर, मतलब पानी दम होना चाहिए उतना रही, फिर लोग, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा होती है। आप जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप वो एक तो कमा नहीं रहे हो, प्लस वैल्यू क्रिएट होगा और वो आपको 2-3 साल बाद पता चलेगा रही, तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो लोग उसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं करते, और उसके बाद भी आने के बाद है ना लोग डिस्काउंट करते कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये कुछ खुद से नहीं होता, स्पेशली शुरुआत के दिनों में इनफैक्ट गड़बड़ी होता है, कुछ होता है तो रही। तो वो एक मेंटल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए कि गड़बड़ होने वाला है, और कुछ गड़बड़ ना होने के लिए मैं तैयार रहूँगा। ये मुझे काफ़ी यंग लोगों में दिखता है कि उतना प्रिपरेशन नहीं होता। तो अगर आप उसके बाद हारोगे या नहीं चल रहा तो ठीक है, बट आप इनपुट ही नहीं दे रहे हो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कुछ होने ही नहीं वाला। एंड वो बहुत गलत भी है मुझे लगता है, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के, बहुत कुछ कंफर्ट छोड़ के, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके ये बनाते हो, कुछ भी बिजनेस बनाते हो, और उसके फल आपको फ्यूचर में मिले, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए आपकी। मेरी एक लर्निंग रही है कि मतलब टीम मैटर्स अलॉट। तो जो भी एक तो लेके आप हर चीज़ खुद से करने का ट्राई मत करो। अगर आपको बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना है तो जो भी आपके लाइक माइंडेड जान पहचान के हैं, गेट अ गुड कोफाउंडर एंड लाइक स्टार्ट हायरिंग, ताकि आप डेलीगेट कर पाएँ। यू कैन आप पे लाइक माइंड स्पेस है बड़ी पिक्चर के बारे में सोचने का। और जिन भी लोगों को अपनी कंपनी में लेके आ रहे हैं, खाली कॉम्पिटेंस मत देखें, कल्चर भी देखें कि जो भी आपकी कंपनी के वैल्यूज़ हैं, तो जो आपकी कंपनी में आ रहे हैं वो उन वैल्यूज से अलाइंड है या नहीं है। कॉम्पिटेंस तो हर कोई देखता है, बट आई थिंक कुछ लोग कल्चर पे फोकस करना मिस कर जाते हैं। तो कॉम्पिटेंस को देखें और कल्चर को भी ही उतना ही वेटेज दें। मेरा और एक इसमें पॉइंट है कि बिज़नेस करने वालों को ना सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है, कि आपको ये पता होना चाहिए मैं कहाँ अच्छा हूँ, मैं कहाँ बुरा हूँ। ये थोड़ा ना आर्ट जैसा होता है कि आप किसी भी गायक से पूछोगे ना, उसको लगेगा मैं एकदम तानसेन हूँ, बट होते 1-2% ही अच्छे, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ताकि आप अपने वीकनेस के लिए टीम बना सको, जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ आप डबल डाउन कर सको। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, जो मैं करता हूँ उससे मेरे को काफ़ी अवेयरनेस आया। बट ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कुछ भी, कोई भी बिज़नेस बनाने के लिए, फंडिंग, बूटस्ट्रैप, छोटा बड़ा कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक अचानक एक क्वेश्चन निकल गया बीच में से, ठीक है। मैंने बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि एक बंदा बहुत सारा कुछ कर पाता है। देखो सिंपल सी बात, एक कंपनी का एक फाउंडर है तो लॉजिकली वो फाउंडर इसलिए बन पाया होगा कि उसके पास में कुछ स्किल होगे, तभी वो शायद बन पाया होगा। नहीं, मैं बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ सोच के कोई कंपनी बड़ी कर रहा है तो मान के चलते हैं उसको डेवलपमेंट भी आती है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पर ऐसा शायद एग्जिस्ट ना करता हो बंदा, पर मैं ओवरऑल बात करके चल रहा हूँ। उसको डेवलपमेंट भी आती है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, उसको सेल्स भी आती है, उसको डैश भी आता है। तो अब क्या करता है वो बंदा कि यार मेरे को 4 चीज़ें आती है, तो चारों के लिए मैं अलग टीम डेलीगेट करता हूँ, सबको मैं ट्रेन करूँगा और आगे एग्जीक्यूट करेंगे वो। और ये हमारे पास में कमेंट सेक्शन में आया था किसी का पूरा पूरा प्रॉब्लम, मतलब मैं कहूँगा किसी ने 1000 वर्ड का ब्लॉग लिख के डाला हुआ था, कह रहा सर प्लीज़ किसी से ज़रूर पूछना है क्वेश्चन। तो अब उनको दिक्कत क्या आती है डेलीगेट करने में, कि अगर ग्राफिक वाले को किसी को टीम को हायर किया और उनको कहा कि आप डिज़ाइन करो, तो वो प्रोडक्ट वो नहीं बना पाते जो वो चाह रहा है, फिर वो वहाँ पर लग जाता है, इसके चक्कर में वो बाकी चीज़ें फिर छोड़ देता है, तो वो इसी में नाश्ता रह जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ अभी छोटे स्केल के बिजनेसेस की, मतलब जिस हिसाब से कमेंट आई होगी तो मेरे हिसाब से उनका रेवेन्यू 2-4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या करें उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? इसमें मैंने एक मतलब मिस्टेक देखी है जो काफ़ी लोग करते हैं, कि जब भी वो डेलीगेट करते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो 100% होना चाहिए। 100% परफेक्शन चेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो 90% है ना गुड इनफ है। अगर वो बंदा जिसको आपने डेलीगेट किया है उसको थोड़ा टाइम देंगे, वो day 0 पे 90% कर रहा है, 3 महीने में 100% पे भी पहुंच जाएगा। बट ये मत एक्सपेक्ट करो कि day 0 पे ही 100% आएगा। अगर आप वो थिंकिंग रखेंगे ना तो आप डेलीगेट कर ही नहीं पाएंगे। तो बी सेटिस्फाइड विद 90% अपफ्रंट, ओवर टाइम यू विल सी दैट 100% रिजल्ट ऑल्सो।
मेरा इसमें दूसरा एक ये है कि इफ़ यू आर अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर राइट, दैट डजेंट मेक यू अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन मैनेजर. कोई चीज़ खुद से करना और कोई चीज़ मैनेज करना कम्प्लीटली दो अलग स्किल सेट है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा. जब आप मैनेजर बनते हो तो कोच भी बनना पड़ेगा. लोग एक तो डेलीगेट में क्या करते हैं, बहुत माइक्रो मैनेज कर देते हैं कि भाई ये कर ये कर, ये लाइन ये ग्राफिक में, ये कलर डाल ये कलर डाल, या दूसरा वो एकदम छोड़ देंगे और सोचेंगे मेरे जैसा आउटपुट आना चाहिए. तो सामने आपने जिसको हायर किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस को कवर करने के लिए आपको उसको कोच करना पड़ेगा. वो डिसिप्लिन नहीं है तो उसको फिर उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, डेडलाइन सेट. तो ये दोनों लोग पहले ये समझते ही नहीं है, फिर वो कैसे सोचते हैं कि यार मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ, ये तो हो ही जाता है, मेरे से तो सबसे होना चाहिए. शायद वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी वो वीकनेस होगी, तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको आदत डलवानी पड़ेगी. तो ये स्किल सेट ही अलग है. जिस दिन आप सोचोगे कि यार मैनेज करना एक अलग स्किल सेट है, तब वो थोड़ा आसान तो बनते जाता है, बिकॉज तो आप वो मैनेजरल स्किल सेट सीखने चालू करोगे राइट. अगर आप नहीं सीखोगे तो आप भले ही बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, बट आप डिज़ाइन मैनेजर अच्छे नहीं बनोगे. तो इन्होंने जो बात बोली थी ना, अपना खुद का स्वॉट करना ज़रूरी है. आपकी स्ट्रेंथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, पर आपकी वीकनेस शायद मैनेजर, आप नहीं अच्छे हो. तो आपको अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा एज अ मैनेजर. और जो इन्होंने बोला माइक्रो मैनेज से अपने आप को छोड़ना पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ों पर 90% भी आ रहा है. और हमने किसी वीडियो में बात करी थी पहले कि स्टार्टिंग में कोर टीम बिल्ड कर रहे हो तो ए टीम बिल्ड करो, बी टीम बिल्ड मत करो. Yes. कि मतलब ये नहीं है कि काम चलाओ सस्ते में मिल रहे उठा लो. तो अगर आप अच्छी टीम हायर करोगे तो वो 90 डिलीवर कर ही देगी. अगर 90 नहीं कर पा रही तो मतलब ए नहीं है. तो थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारी ऑडियंस को भी, मुझे भी. थैंक यू. और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शबाकर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं.